कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल सबसे ट्रेंडिंग सवाल है, हर कोई पूछ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, दिल्ली पत्ते नहीं खोल रही। कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट देकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और ये सब लोग समझ पाते कि एमपी के सबसे सीनियर विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने इशारों इशारों में मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी की ताल ठोक दी। भार्गव ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए गुरु का आदेश आया है, हो सकता है इस बार मुख्यमंत्री बन जाऊं। मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने वाले गोपाल भार्गव सागर के रहली में प्रसिद्ध देवी सिद्ध पीठ टिकिटोरिया धाम में रोप वे के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इशारों इशारों में मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मैं परेशान होता रहा तो गुरुजी ने कहा जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप फिर लड़ जाओ, एक बार फिर चुनाव लड़ जाओ, यह अंतिम चुनाव होगा, ये जो भी गुरु का आदेश है। तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, यह नहीं बताया जा रहा है कि किसे हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हो सकता है कि इस बार मैं ही मुख्यमंत्री बन जाऊं। गोपाल भार्गव के इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है और प्रदेश के भीतर चर्चा होने लगी है कि आखिर भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री पद के और कितने दावेदार हैं। वैसे आपको बता दें कि इनके सुपुत्र भी टिकट के सपने संजोए थे, मगर मंत्री भार्गव ने सार्वजनिक रूप से यह कह दिया था कि चुनाव बेटा नहीं मैं ही लड़ूंगा। आपकी सर्वाना में खाली सर्वान सब इतना सब कुछ किया, परेशान होता रहा तो गुरु जी ने कहा कि मेरे जो गुरु, उन्होंने कहा कि जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप कॉल लड़ जाओ, एक बार चुनाव लड़ जाओ, अंतिम चुनाव होगा। अब जो भी गुरु आदेश है तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार में चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा, ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे फला नहीं। तो जब गुरु आ गया है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से वो आई हो, बात तो मैं कर सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चाहत हो, ऐसा भी नहीं है कोई, क्योंकि लोग सरपंच बनने के लिए परेशान रहते, पार्षद बनने के लिए परेशान रहते, भगवान ने तो मुझे सब कुछ बनाया, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, इतने साल विधायक बनाया, इतने साल मंत्री बनाया, और तो सबसे बड़ा पद होता है जो मुख्यमंत्री के बराबर मुझे नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन मध्य प्रदेश का बना दिया बगैर उसके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।